हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी का यात्री। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। आज हमने अपना से एक सफ़र शुरुआत किया है नेपाल जाने के लिए, और हमारी गाड़ी देखें, बाइक एकदम पूरी तरह से तैयार है और बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग जाने के लिए। काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं, देखा होगा हमारा ब्लॉग बहुत दिन तक आया नहीं, काफ़ी दिन हो गए। तो आज बहुत दिन के बाद हमने फैसला किया है कि आज हम एक बहुत अच्छा ब्लॉग शुरू करेंगे, और काफ़ी दिनों तक ये सफ़र होने वाला है। और मैंने जो हिमालयन ली थी पिछले वीडियो में आपने देखा, उसी हिमालयन को एकदम तैयार कर लिया है, सारा बैग एकदम पैक कर लिया है। दो बैग पीछे और दो बैग आगे, छोटे छोटे बैग हैं, इसमें थोड़ा सामान आ गया है, रेंच वगैरह, इसमें कपड़ा खाने पीने का सामान आ गया है, ऊपर भी एक बैग बांध दिया है, इसमें कैमरा लगाएंगे और उसके बाद में सारा फिटिंग। ये बैठने के लिए थोड़ा आरामदायक रहेगा इसलिए ये दरी ले लिया है। चलिए हम अब इस समय शुरुआत कर रहे हैं अपने घर से, फिर डायरेक्ट आपको बॉर्डर के बाद ही मिलते हैं, उसके बाद में शूट शुरू करते हैं और देखते हैं नज़ारे कैसे होते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा सफ़र गुजरेगा, और ये सफ़र अच्छा गुजरे, बहुत अच्छा गुजरे, यही हम कामना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो जी, हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया, हम नेपाल के अंदर भी आ गए और पहाड़ों पे आ भी गए, पहाड़ स्टार्ट भी हो गए। बहुत सुंदर नज़ारे हैं क्योंकि अभी मानसून चल ही रहा है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। तो अब आप देखेंगे हरियाली और शानदार नज़ारे, क्या नज़ारे हैं, एकदम ऊंचाई पर हम लोग चढ़ रहे हैं। तो चलिए नज़ारे देखते हैं। ऊपर बादल हैं हमारे और नीचे पेड़ ही पेड़, सामने पेड़, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है, बहुत शानदार। अब काफ़ी दिनों तक यही रोड पे चलाएंगे, ये रोड एक हाईवे है और ये बहुत दूर तक जाता है, यहाँ तक कि आगे बहुत सारी बस्तियाँ हैं वहाँ तक जाता है, और हम लोग जुमला तक जाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें हमारे इस चैनल पर, और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मेरा कैमरे का लेंस गंदा हो गया, ज़रा पोंछ देता हूँ, बहुत धूल मिट्टी कभी कभी आ जाती है ना, ऑफ रोड होता है। हाँ, आप साफ हुआ, बहुत अच्छा शानदार जंगल यहाँ पे है, और नीचे एक नदी बह रही है, उसका पानी क्रिस्टल क्लियर है, वाह वाह, एकदम ब्लू ब्लू पानी, वाह क्या बात है। और ये बाइक मुझे बहुत पसंद आई, चलाने में इतना मज़ा आ रहा है कि क्या बताएं। जो बाइक जहाँ के लिए बनी है ना, वहीं चलाना चाहिए, यहाँ पे इतना शानदार चलती है कि एकदम मन मोह लेती है। और यहीं अगर हाईवे पर मैदानी इलाकों में चलाओ तो वो मज़ा नहीं आता है, यहाँ पे बहुत शानदार लगता है, बहुत खूबसूरत। और हम लोग चले जा रहे हैं जहाँ तक पहुँच सकेंगे, आज पहुँचेंगे फिर रुकेंगे हम लोग। ये देखें, बच्चे स्कूल गए थे, आप अपने अपने घर जा रहे हैं। अभी आप ऊपर से चेक करते देखते, इतनी शानदार रोड दिखती थी ये वाली, काफ़ी दूर तक एकदम सीधी और एक नीचे गई हुई फिर ऊपर गई हुई, लेकिन अभी तो वो दूसरी तरह दिखने लगी, मगर बहुत शानदार दिख रही थी। ये आ रहा है भेरी नदी पर बना हुआ एक बड़ा सा सस्पेंशन ब्रिज, ये काफ़ी लंबा है मगर इसमें कोई बीच में पिलर नहीं है, पूरी तरह से तारों पर लटका हुआ है, काफ़ी शानदार ब्रिज है, इंजीनियरिंग का नायाब नमूना आप लोग देखने वाले हैं, सस्पेंशन ब्रिज। ये देखें कितना लंबा, काफ़ी लंबा है, और इसके नीचे नदी बह रही है, काफ़ी तेज़ बह रही है, और इसके किनारे किनारे पर लोग अपना मुर्दा जलाते हैं, मुर्दा जलाने आते हैं काफ़ी दूर दूर से, बहुत जल रहे हैं मुर्दा बीच में नीचे। टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलते चलते आगे जी हम नेपाल का एक शहर सुर्खेत, आगे बहुत मैदानी एरिया है, दूर तक वहाँ तक बसा हुआ है, काफ़ी लंबा एक मैदान है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।
भाई पेट्रोल भरवा लिया, कितना आया? यहाँ की मशीनें देखो, इसमें डिजिटल नहीं होता है, एनालॉग होता है, जो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, 4.5, ओके, ठीक है भाई जी। पेट्रोल भी भरवा लिया, अभी 443 रुपये का मैंने पेट्रोल भरवाया। और यहाँ कुछ महंगा ही होगा पेट्रोल, अपने वहाँ से 10 रुपये तक महंगा या उससे ज़्यादा महंगा है। और 443 मतलब 4.5 लीटर पेट्रोल आया था 155 किलोमीटर चलाने के बाद। तो आप लोग जोड़ के बताओ कितने में कितना माइलेज मुझे मिला, ठीक है। वैसे माइलेज मुझे लगता है ठीक ठाक ही मिलता है, 1 किलोमीटर पे 3 रुपये खर्च होते हैं अपने इंडिया में, ठीक है, मतलब 30 के आसपास ही मिलता है। बहुत खूबसूरत जंगल है साथियों, इतना शानदार नज़ारा आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। मैं वो शहर निकलने के बाद में, अब शहर थोड़ा ऊंचाई पर था, अब हम ढलान पे जा रहे हैं, मगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं थोड़ा कैमरे का लेंस साफ़ कर लेता हूँ। हाँ, साफ़ हो गया होगा, आप दिखता होगा, शानदार, वाह, वेरी नाइस। एक ट्रैक्टर देखो आ रहा है, सिंगल टायर वाला है, मतलब 4x2 है। बहुत से ऐसे यहाँ पे ट्रैक्टर सारे चलते हैं जहाँ पर 4x4 होता है, वैसे कोई ट्रैक्टर मिलेगा जो 4x2 होगा। बहुत से मोड़ अचानक ऐसे आते हैं जिनको तुरंत घुमाना पड़ता है, और पहाड़ों में यही तो मज़ा है, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, बस। यहाँ कोई ऐसा नहीं होता है कि दायां मोड़ बायां मोड़, यहाँ होता है इधर घुमाओ उधर घुमाओ। ये जंगल में थोड़ी सी बस्ती आ गई, लोग यहाँ रहते हैं, देखो किसी का बतख घूम रहा है रोड पे, बकरियाँ घूम रही हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बस्तियाँ हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि दिखाएं, अगर हम यहाँ कैमरा सेट करके दिखाते तो आप देखते रह जाते, इतना शानदार दिखता, बहुत सुंदर है। यहाँ पे जंगल इतना घना है कि ऐसा लगता है कि शाम हो गई, अंधेरा हो गया, मगर अभी दिन उस पहाड़ी के उस पार निकला हुआ है, आप जाके थोड़ा सा उजाला हुआ, पीछे बहुत ज़्यादा घना था, बहुत ज़्यादा। मगर रास्ते यार चेक करें दोस्त, बहुत खूबसूरत रास्ते हैं। मानसून में क्या होता है कि पानी बरसने से सारी घासें सारे पौधे एकदम पानी पाके हरे भरे हो जाते हैं, तो इतना खूबसूरत लगता है ना कि क्या बताएं, हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते कि कितना खूबसूरत है। शाम हो चली है, अंधेरा होने वाला है, मगर हम अभी भी रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि रास्ते इतने शानदार हैं कि हम इसको चलते रहना चाहते हैं इस पे। अब कल अभी तो जुमला 200 किलोमीटर अभी भी बाकी है, आज अभी रुकने वाले हैं, अभी थोड़ा और शाम हो जाए, आगे एक होटल है जिसमें पहले मैं रुक चुका हूँ, तो फिर वहाँ जाके ठहरेंगे। नज़ारे देखते देखते तो एकदम मन मुग्ध हो गया, बहुत शानदार रहा। और गाड़ी का क्या कहना, बहुत शानदार गाड़ी, बहुत अच्छे से चलती है, गजब का इसका चाल लगता है, पावर तो भर भर के है, पावर की कोई कमी ही नहीं है। शहर से इतनी दूर आ चुके हैं कि ये ट्रक या कुछ कार, वो भी पिकअप कार कभी कभी मिलती हैं, नहीं तो मैं इस रोड पे सिर्फ अकेला मैं ही चल रहा हूँ, बाकी कोई नहीं मिलता है। अभी आप देखते रहो कितनी दूर तक जाऊँगा और कहीं कोई नहीं मिलेगा। बड़ा मज़ा आता है गाड़ी चलाते एकदम, लेकिन बहुत आराम से चलाता हूँ, 20 से 30 किलोमीटर, क्योंकि पहाड़ों पे गाड़ी चलाना मतलब
इंजॉय करना, बहुत शानदार होता है पहाड़ों पे गाड़ी चलाना, आराम से चलाना, 30 से नहीं ज़्यादा, नहीं 30 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, आराम से ऐसे ऐसे इंजॉय करते जाओ। अभी जाके खाएंगे और मज़े से सो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है सफ़र करना, और इसी में सफ़र का मज़ा है। ठंडी ठंडी हवा है और शानदार नज़ारे हैं, बीच में पहाड़ों में फंसे हुए बादल हैं। अब मैं कहीं रुक ही नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग को दिखाता कि पहाड़ों में बादल फंसे हुए हैं। रास्ते में तो एक जगह तो बादलों से बात करते हुए हम लोग आए, बादल नीचे हम लोग ऊपर, और ऐसे ही बादल महसूस होते हैं। जब बादल एकदम शरीर से आके टकराते हैं ना, तब बहुत ठंडा ठंडा लगता है, एसी से भी ज़्यादा ठंडा लगता है, और बहुत बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत ज़्यादा। देखा, अभी तक कोई नहीं मिला, सिर्फ हम ही इस पे चले जा रहे हैं। भाई जी भारी मिस्टेक हो गई है, हमें लगा था कि हमारा होटल जिसमें पहले रुके थे आज के, पहले से पता था उसका लोकेशन, जानते थे, मोबाइल में तो नहीं देखा कि कहाँ पर अभी होगा, लेकिन जब उजाला था तभी हमें लगा था कि आधे घंटे में होटल के पास पहुँच जाएँगे, लेकिन उसके बाद अभी एक घंटा लगभग हो गया लेकिन हमारा होटल नहीं मिला, ठीक है। एक घंटा हो गया भाई चलाते चलाते, और क्योंकि पहाड़ों में बहुत धीमा चला मिलता है बाइक, वो भी रात में, दिन में तो ठीक ठाक स्पीड हो जाती है, रात में नहीं हो पाती है, तो मिल नहीं रहा मुझे होटल। मुझे लगता है होटल मुझसे दूर जा रहा है क्या, अभी पता चलेगा, थोड़ा और चलाते हैं फिर आपको अपडेट देते हैं भाई। फाइनली वो होटल जिसका इंतज़ार था वो मिल गया, होटल का नाम है न्यू ज्वाला होटल एंड लॉज। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, हमने अपनी गाड़ी बहुत अच्छे से पार्क कर दी, अब इसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे और फिर जाएंगे रूम में, आराम करेंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। और ये बता दो कि इस रूम का भाड़ा जो है वो हमें पड़ा है 1000 रुपये नेपाली, और खाने का होगा 200 रुपये नेपाली पर हेड। तो आज खाते पीते हैं और आराम करते हैं, बहुत थक गए हैं। एक तो मुझे लगा कि बहुत नज़दीक होगा होटल, उसके लिए फिर चलाना पड़ा मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे, तब जाके होटल मिला। रात के 8 बज चुके हैं, खाना आने वाला है, खाना रेडी हो चुका है, और अभी हम लोग ने ऑर्डर किया है सादा खाना, सादा खाना खाएँगे। उसमें होता है दाल चावल अचार, ऐसे ही होते हैं, अभी आएगा तब पता चलेगा।